हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अगर बात करते हैं हम, तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको कर लेने चाहिए। मैं वो क्वेश्चन आज आपको कराऊंगा, आप एक एक करके अपनी कॉपी पे वो क्वेश्चंस करेंगे और उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप कर सकते हैं। यानी कि कुछ डिजिट्स चेंज होंगी या कुछ थोड़े बहुत पैरामीटर्स उसके चेंज करके वो आपको क्वेश्चन दे सकता है। मैं आपको एक क्वेश्चन में एक टाइप कंप्लीट कराऊंगा। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम मैक्सिमम मिनिमा को। तो आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। यानी कि आपको दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम करें तो वो 24 आए, और अगर हम उसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो सबसे बड़ी संख्या आनी चाहिए। तो देखिए, इसको हम जनरली समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आप 1 + 23 करते हैं, 1 एक नंबर है, 23 एक दूसरा नंबर है, आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 24, लेकिन जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो आंसर आएगा 23। इसी तरीके से अगर आप एक नंबर और बढ़ाते हैं यानी कि 2 + 22 आप ऐड करते हैं तो इसका सम करेंगे तो आंसर आएगा 24, क्योंकि इसकी पहली शर्त है कि सम 24 आना चाहिए। लेकिन अगर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 22 × 2 तो इसका आंसर आएगा 44, जो कि पिछले आंसर से यानी कि लास्ट वाले प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा बड़ा है। इसी तरीके से अगर आप इसको और बढ़ाएं यानी कि अगर 2 की जगह आप 3 लिखें तो 3 + 1 = 21, यानी कि 3 + 21 = होना तो 24 चाहिए, लेकिन जब 3 की मल्टीप्लाई हम 21 के साथ कराएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 63, जो लास्ट वाले प्रोडक्ट से थोड़ी और बड़ी है। इस तरीके से आप नंबर्स डिसाइड करेंगे और एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंचेंगे यानी कि जैसे कि आप गए 12 × 12, जब आप 12 + 12 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 24, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 144, जो कि एक सबसे बड़ी संख्या का सिचुएशन है। यानी कि ये प्रोडक्ट सबसे बड़ा है, यानी कि 144 सबसे बड़ी संख्या है। इससे और आगे आप जाएंगे यानी कि 13 + 1 भी 24 होता है, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 13 × 1 = 11 करेंगे, सॉरी, तो यहां पर आ जाएगा 143। अब ये छोटा है, 11 × 3 = 33, रिमाइंडर 3 आएगा, 11 × 1 = 11 + 3 = 14। तो अब ये जो है आपकी संख्या पिछले वाले प्रोडक्ट से यानी ये लास्ट वाला प्रोडक्ट है इससे छोटी हो गई। अगर आगे बढ़ेंगे यानी कि 14 + 10 करेंगे तो ये और छोटी संख्या हो जाएगी। ऐड करने पर तो 24 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर वो आ जाएगा 140, जो कि और छोटा हो गया। यानी एक सिचुएशन जहां पर ये दोनों संख्याएं यानी कि दो संख्याएं जो है अगर ऐड करें 24 आए और मल्टीप्लाई कराएं तो सबसे बड़ी संख्या आए, ऐसी वो संख्या कौन सी हो सकती है, 12 और 12। मींस ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, उन केसेस में से एक ऐसी सिचुएशन है जहां सबसे बड़ी संख्या होगी और उसके बाद वो छोटा होता चला जाएगा। अब इसको जो मैंने प्रैक्टिकली यहां पर आपको दिखाया है लिख के, अब इसको करेंगे कैसे, हम इसे डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके कैसे करेंगे वो देखिए। आपको सबसे पहली बात तो दो नंबर्स नहीं पता, जो चीज नहीं पता आप उसे लेट कर लीजिए। आप लिखिए लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई। आपने दो नंबर्स इस तरीके से लेट कर लेने हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन के अनुसार एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24 दे रखा है, और प्रोडक्ट पी लेट कर लेते हैं, यहां पर लिख लीजिए प्रोडक्ट इज इक्वल टू पी। प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, एक्स इंटू वाई। इस प्रोडक्ट को हमें सबसे बड़ी संख्या दिखाना है, एज लार्ज एज पॉसिबल। तो आप क्या करेंगे, यहां से यानी कि इस वाले पार्ट से कोई भी एक नंबर
की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि आप या तो y की वैल्यू निकालेंगे या फिर x की, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आप किसी की भी वैल्यू निकालिए। आप y की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो ये x राइट साइड में चला जाएगा और ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। आप ये जो y की वैल्यू है आप इसको सब्सटीट्यूट करेंगे कहां पर, आप इसको सब्सटीट्यूट यहां करेंगे, यानी कि y की जगह पर आप लिखेंगे 24 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा फाइनल आंसर p इज इक्वल टू x ब्रैकेट ऑफ 24 माइनस एक्स। देन नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज आवर इक्वेशन। ये इक्वेशन जो आपके सामने आई है, ये इक्वेशन, इसको बहुत गौर से देखिए, अगर आपने ये इक्वेशन बना ली तो ये क्वेश्चन आपसे हो गया। यहां तक पहुंचना मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और यहां तक पहुंचा कैसे जाएगा, उसका बहुत सिंपल सा तरीका है, जो भी क्वेश्चन में मैक्सिमम या फिर मिनिमम करने के लिए कहता है आप उसी से एक इक्वेशन बनाएंगे। जैसे प्रोडक्ट को मैक्सिमम करने के लिए कह रहा था तो मैंने यहां पी लिखा और इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, तो मल्टीप्लाई करके आता है। एक्स और वाई में से एक संख्या हटानी होगी आपको ताकि वो फॉर्म जो है एक वेरिएबल का फॉर्म बन जाए जिसकी रेस्पेक्ट ली जाएगी। जैसे ही वो हटा दिया आपका आंसर आ जाएगा। अब ये इक्वेशन बन चुकी है, अब इसके बाद का क्या काम है वो देखिए। इस इक्वेशन के बाद मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद एकदम सिलेक्टेड स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट, अगर इक्वेशन है हमारे पास, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेपर में ये इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई मिलेगी आपको, आपको उसे मैक्सिमम और मिनिमम करना है, तो आप कैसे करेंगे, स्टेप वन को फॉलो करना। और वो स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये मैंने डिफरेंशिएट किया और वो भी x की रिस्पेक्ट में किया, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, dp ओवर dx इज इक्वल टू 24x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 24 आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड ये क्या कहता है, लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dp ओवर dx इज इक्वल टू 0, यानी कि जो भी आपका मैक्सिमा मिनिमा करके डिफरेंशिएशन करके आंसर आएगा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम उसे 0 के इक्वल रखेंगे। ये 24 माइनस का 2x इज इक्वल टू 0 आ गया, तो माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस 24 आ गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 12। 24 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 12 आ जाएगा, और इसे पुट करेंगे इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन जो ऊपर आपकी बनी हुई है, ये देखिए, ये आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन है, ये रही y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स, तो आप लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में y इज इक्वल टू 24 माइनस 12 एंड दिस इज 12। तो जो वैल्यू आपने एक एक करके हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाली, पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, इस तरीके से आप 12 तक पहुंचे थे और वो कंडीशन ने मैक्सिमम प्रोडक्ट दिया था आपको, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं करना है। सिंपल, एक को x मान लेना, एक को y मान लेना। अब दो वैल्यूज आ गई, लेकिन ये कैसे पता चले कि ये मैक्सिमम है, तो डिफरेंशिएशन में वो मैक्सिमम कैसे किया गया था, देखिए उसे हम लिखेंगे स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हम दोबारा डिफरेंशिएशन कराएंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जहां छोड़ा है पहले, तो वो लिखिए 24, वाई की जगह पर पी लिख लेते हैं क्योंकि पी लिखा हुआ है, 24 माइनस का 2x, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था। आपको सिंपली इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर देना है, आप लिख लीजिए अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब दोबारा डिफरेंशिएशन कराएंगे तो किस तरीके से कराएंगे, आप लिखेंगे d2p ओवर dx2, यानी कि दोबारा डिफरेंशिएशन तो इसी तरीके से कराया जाएगा, और 24 का डिफरेंशिएशन 0 होता है क्योंकि वो कांस्टेंट है, माइनस 2 एक कांस्टेंट जरूर है लेकिन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए 2 को हम कॉपी करेंगे, x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। देन सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ये मैक्सिमा है, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये मिनिमा है, अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली सोल्व हो गया, और इसमें हमारा फर्स्ट नंबर जो है लिखेंगे, सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 12 आया, एंड सेकंड नंबर भी हमारा 12 आया, और वो कंडीशन आई जिसमें प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, ये हमने बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन करके दिखाया। अब ऐसे एक एक करके आप क्वेश्चंस देखिए, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप उसमें पैटर्न समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या कहा गया है? अ स्क्वायर ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। यहां समझ से जाना मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर कहा है एक स्क्वायर है, दिस इज द स्क्वायर, और इसकी जो साइड है वो 18 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि ये साइड 18 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, क्योंकि स्क्वायर पीस है, और ये भी 18 सेंटीमीटर है। ओके, नेक्स्ट आगे क्या कहता है आपसे? कहता है इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स, यानी कि इस स्क्वायर पीस का हमने एक बॉक्स बनाना है। कैसे बनाना है? विदाउट टॉप, और उसने इस बॉक्स के बारे में बताया, उसका टॉप नहीं होगा। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, तो सबसे पहले हम हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर पीस काट लेते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर पीस कट हो गया, यहां पर भी एक स्क्वायर पीस कट हो गया, ओके, और यहां पर भी आपका एक स्क्वायर पीस कट होगा, इसे इक्वल कर लेना, और यहां पर भी स्क्वायर पीस कट होगा। हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर पीस कट करने के बाद एक बॉक्स बनेगा। कहता है एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, ये जो फ्लैप बचा है, फ्लैप क्या होता है भाई? ये फ्लैप होता है, ये हिस्सा जो है ये फ्लैप है, इसको फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद सीधा कर दिया, इस फ्लैप को फोल्ड किया और सीधे ऊपर की तरफ को किया, इसको भी फोल्ड कर दिया और इसको भी फोल्ड कर दिया, तो एक बॉक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? सीधा सीधा एक बॉक्स दिख रहा है आपको बनता हुआ, जिसका टॉप नहीं है। कहता है फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म बॉक्स, और इस तरीके से फोल्ड करना है कि वो बॉक्स बने, ये नहीं कि एक ऊपर फोल्ड करना है एक नीचे, ऐसे नहीं, या तो सारे ऊपर फोल्ड होंगे या सारे नीचे की तरफ फोल्ड होंगे। आगे कहता है व्हाट शुड बी, यहां पर कहा गया है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, ये साइड कितनी काटी जाए, ये साइड नहीं पता, ये साइड नहीं पता, ये साइड नहीं पता, कितनी कट की जाए, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल, कितनी साइड काटी जाए कि इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। वो साइड छोटी भी कट सकती थी स्क्वायर में, वो साइड बड़ी भी कट सकती थी। यहां पर मैंने मान लिया कि वो साइड जो कट करेंगे हम वो एक्स सेंटीमीटर है, कितनी है यहां से यहां तक की लेंथ एक्स, क्योंकि स्क्वायर है तो ये लेंथ भी एक्स होगी, 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 हर जगह पर आपको चार एक्स दिख रहे होंगे। अब आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि इस बॉक्स की जो लेंथ है, ये लेंथ, ये कितनी होगी? टोटल लेंथ कितनी थी यहां से यहां तक? 18 थी। एक्स यहां से कम हो गया, एक्स यहां से कम हो गया, तो दोनों तरफ से एक्स और एक्स हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 माइनस का 2x। आप इस लेंथ को देखिए, ये लेंथ, अगर एक बॉक्स की लेंथ बनती है तो दूसरी क्या बनेगी? विड्थ बनेगी, है ना? तो ये विड्थ कितनी होगी? 18 माइनस का 2x, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टोटल तो 18 है, और x यहां से सब घटा देंगे और x यहां से सब ट्रक कर देंगे, दोनों को x x घटाएंगे तो 18 माइनस, तो ये आपकी लेंथ हो गई और ये आपकी विड्थ हो गई, या फिर ब्रेथ हो गई। अब आपकी लेंथ और विड्थ जो है ये आ चुकी है, तो हाइट क्या होगी? तो गौर से देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर, तो ये जो x है ना, ये वाला हिस्सा, ये x, यही तो फ्लैप सीधा खड़ा हो जाएगा और ये हाइट बनेगी, गहराई। अब देखिए ये जो फ्लैप है, ये फ्लैप, ये x था, यही तो सीधा होगा और यही तो बनेगी हाइट। तो आप गौर से देखिए हाइट क्या होगी। आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक पेज को मोड़ के देखिए, आपको हाइट दिख जाएगी, वो होगी एक्स, यानी कि ये। तो फिलहाल मुझे क्या क्या मिला, हम इस सॉल्यूशन को देखेंगे। हमें लेंथ मिला, लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू, आपको लेट करना पड़ेगा, और वो मिला 18 माइनस का 2x। हमें बिना ब्रेथ बॉक्स की 18 माइनस का 2x, हमें मिला हाइट x। ये हमें तीन वैल्यूज मिल चुकी है। अब हमें वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, तो बहुत आसान काम है। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ये क्यूबॉइड शेप का बॉक्स बनेगा, तो ये होता है एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच। आपको शायद फॉर्मूला पता होगा, अगर नहीं पता तो फॉर्मूला याद कर लीजिए। लेंथ की जगह पर आप लिखेंगे 18 माइनस का 2x, ब्रेथ की जगह पर आप लिखेंगे 18 माइनस का 2x, एंड हाइट की जगह पर आप लिखेंगे x। आप इसे सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई कराना आपको आता होगा, तो 18 की मल्टीप्लाई 18 में करेंगे और फिर x में करेंगे, तो यह आ जाएगा 324 माइनस का 18 टू 36, एंड 36 72, और यहां पर x भी लिख देते हैं साथ साथ, चलो लहन दो 72x, और फिर उसके बाद प्लस का
4x स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर आपने x लिख दिया. ओके नाउ नेक्स्ट स्टेप के पास चलेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है v इज इक्वल टू 324x माइनस का 72x स्क्वायर प्लस का 4x क्यूब एंड दिस इज योर वॉल्यूम जिसको आपको मैक्सिमम करना है. यहां तक पहुंच गए, अगर इक्वेशन तक पहुंच गए तो समझ लीजिए आपके मार्क्स कंफर्म है, क्योंकि इसके बाद तो आपको स्टेप्स रिपीट करना है. चलिए पहला स्टेप क्या था देखते हैं, आप साथ साथ कॉपी पे लिखते चले जाएंगे. पहला स्टेप था डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. आप करेंगे v का डिफरेंशिएशन और रेस्पेक्ट होगी x की, तो 324 का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 324 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, x की जगह पर 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस का 72 तो ऐसा कैसे लिखा जाएगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, प्लस का 4 तो ऐसा ही लिखा जाएगा, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है. आपको जिस भी तरीके से डिफरेंशिएशन करना आता हो आप करिएगा, बस सही करिएगा. यहां आएगा 324 माइनस का 144x प्लस का 12x स्क्वायर. ये आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया, यानी पहला स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप क्या था आपका, सेकंड स्टेप है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, यानी मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dv ओवर dx इज इक्वल टू होगा आपका 0. ओके नाउ यहां पर हम इसे तरीके से लिख लेंगे सीक्वेंस में, 12x स्क्वायर माइनस का 144x प्लस का 324 इज इक्वल टू x. उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहां पर 12 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का यह आ जाएगा 12 2 24 एंड 12 7 यह आ जाएगा आपके पास 27, 84 आएगा. ठीक है, तो अभी आगे सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर्स करेंगे, और फैक्टर्स करने आपको आने चाहिए. x स्क्वायर माइनस का 26 के फैक्टर्स करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 39 एंड 33 एंड 31, तो आपके फैक्टर्स जो बनेंगे वो बनेंगे 9 और 3 के. ऐसी संख्या जिनकी मल्टीप्लाई करें तो आंसर में 27 आना चाहिए, और जिनको ऐड करें, और पीछे वाला निशान देखते हैं, ऐड करें तो ऐड करेंगे तो आंसर में 12 आना चाहिए. ऐसी संख्या है 3, 9 और 3. ओके तो फैक्टर्स हो गए माइनस का 9x माइनस का 3x और प्लस का 27 इज इक्वल टू 0. आप इसे आगे सॉल्व करेंगे, 12 ये हो जाएगा x कॉमन तो आ जाएगा x माइनस 9 एंड माइनस का 3 x माइनस का 9 और यहां पर होगा इक्वल टू 0. 12x माइनस का 3 x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0. ये सारी वैल्यूज कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये सब कुछ आपको आना चाहिए. आगे x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9 लिखेंगे नॉट पॉसिबल. अब आप कहोगे सर ये पॉसिबल क्यों नहीं है, तो मैं दिखा देता हूं आपको ये पॉसिबल क्यों नहीं है. देखिए अगर मैंने कहा x की वैल्यू यानी कि ये वैल्यू आपकी 9 है तो अभी सी बात है ये वैल्यू भी आपकी 9 होगी, टोटल वैल्यू ही आपके पास 18 है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. अगर मैंने यहां से 9 और यहां से 9 कट कर दिया तो फिर ये दो टुकड़े हो जाएंगे इस 10 के और ये कभी भी बॉक्स नहीं बन सकता क्योंकि टोटल लेंथ ही 18 है. 18 या 18 से ज्यादा तो नहीं हो सकते ना अगर आप उसे सेपरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा. 9 पॉसिबल नहीं होगा तो फिर वैल्यू क्या होगी, हमारी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 3. लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये वॉल्यूम मैक्सिमम है कि नहीं है तो इसके लिए क्या करते हैं, ये स्टेप 3 है, dv ओवर dx इज इक्वल टू जो हमने डेरिवेटिव छोड़ा था फर्स्ट वो कहां छोड़ा था, देखिए आपके सामने है वो डेरिवेटिव 324 माइनस 144x. यह आएगा आपके सामने 324 माइनस 144x प्लस 12x स्क्वायर. ये आपने फर्स्ट डेरिवेटिव छोड़ा था, इसको लिख लिया मैंने. अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, दोबारा डिफरेंशिएशन कराएंगे तो ये हो जाएगा d2v ओवर dx2 इज इक्वल टू 0 माइनस का 144 प्लस का 24x एंड पुट करेंगे x की जगह पर 3 तो आंसर नेगेटिव ही आना चाहिए. देखते हैं आता है कि नहीं, ये जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हो जाएगा माइनस का 144 प्लस का 24 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72. तो फाइनल आंसर माइनस का 72 आएगा क्योंकि माइनस की साइन
की बड़ी संख्या है तो उस बड़ी संख्या को लिखा जाता है, उसी का साइन लिखा जाता है। नेगेटिव आया है तो मैक्सिमा है, अगर पॉजिटिव आता तो मिनिमा होता, और अगर जीरो आ जाता तो आंसर आता नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमा। तो ये पता लग गया कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया है। अब वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया है तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सो वी कट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर टू मैक्सिमम द वॉल्यूम। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, वो रेक्टेंगल भी दे सकता है कभी कभी, उसकी लेंथ इन डायमेंशन चेंज हो जाएगी, जहां 18 18 लिखा था वहां डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन हो जाएंगे, या फिर स्क्वायर भी कह सकता है। ये अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर आता है तो इसे कर पाए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वो एक नई टाइप का नया क्वेश्चन होगा, देखते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि शो करके दिखाना है ऑफ ऑल रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल। अगर कोई भी रेक्टेंगल सर्कल के अंदर है तो यहां पर शो क्या करना है, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। दैट मीन्स पहली बात तो वो रेक्टेंगल नहीं होगा, वो स्क्वायर बन जाएगा, एक तो ये बात याद रखनी है, और फिर उसका एरिया मैक्सिमम भी करना है आपको, ये शो करके दिखाना है। ठीक है, तो ये कहना क्या चाहता है, देखिए ये आपके सामने, सपोज इसका मैं कुछ डेमो देता हूं, ये आपके सामने कुछ डेमो के तौर पर मैंने सर्कल बना दिए, ओके, और ये समझ के चलिए गए सेम डायमेंशन है, सेम इसकी रेडियस दे रखी है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने कहा कि इसमें मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ये रहा वो रेक्टेंगल, ये देखिए ये आपका रेक्टेंगल है इसमें, ओके, ये है आपके पास पहला रेक्टेंगल, और सपोज कर लेते हैं इसकी कोई डायमेंशन होगी, तो मैंने डायमेंशन सपोज कर ली ये 4 है और ये 2 है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 8, ओके। नेक्स्ट मैंने क्या किया, इस 2 को, जो ये वाला हिस्सा 2 का था, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, यानी 1 यूनिट बढ़ा दिया, तो क्या होगा, सेम सर्कल है, सेम रेडियस का सर्कल है, तो ये जो 4 था इसे कम होना पड़ेगा, जो ये नीचे वाला 4 था इसको क्या होना पड़ेगा, अपने आप ही वो कम हो जाएगा, देख सकते हो आप, इसे आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो सपोज कि ये 2 से, ये 2 जो था इससे बढ़कर ये 3 हो गया, और ये 4 से कम होकर ये 3 हो गया, यानी कि एक एक यूनिट एक तरफ से कम हुआ, एक तरफ से बढ़ गया, तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया होगा इसका 9 9। कैसे हुआ, जैसे लेंथ इंटू, ये आपकी ब्रेथ है, ब्रेथ इंटू लेंथ यहां पर करेंगे तो यहां पर भी ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, ठीक है ना, दोनों की मल्टीप्लाई कराई तो 9 आया। मैंने और थोड़ा सा एरिया बढ़ा दिया, लेंथ ये हो गई, और ऑब्वियस सी बात है दूसरी साइड अपने आप उतनी कम हो जाएगी, ये 3 का हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2, ये 3 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा एरिया, मल्टीप्लाई कराने पर एरिया हो गया 8। आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है, ओके। तो आप गौर से देखेंगे कि कहां पर एरिया मैक्सिमम था, 8 फिर 9 फिर 8, यानी कि यहां पर 9 जो है ना, यहाँ एरिया मैक्सिमम है, लेकिन जैसे ही एक सर्कल के अंदर एरिया मैक्सिमम होता है किसी रेक्टेंगल का, तो वो अपने आप देखिए एक स्क्वायर बन जाता है, यानी कि उसकी हर साइड इक्वल हो जाती है। तो ये बात आपको प्रैक्टिकली मैंने समझाया, बस इसी को डिफरेंशिएशन से आपको दिखाना है करके, अगर आपने दिखा दिया तो इसका मतलब आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। और किस प्रोसेस से दिखाना है, मैक्सिमम मिनिमम से, तो करने का तरीका बहुत सिंपल है, देखिए मैं इसको करके दिखा सकता हूं आपके सामने। ये है आपके पास सर्कल, उसमें ये बनाइए एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल ही लेके चलेंगे, बाद में इसकी एल और बी, यानी कि लेंथ और ब्रेथ जो है वो इक्वल हो जाएगी, वो बाद में करेंगे। अभी फिलहाल जो लेंथ है इसको हम मान लेते हैं एक्स, और जो ये ब्रेथ है इसको मान लेते हैं वाई, हमने लेंथ और ब्रेथ को एक्स और वाई मान लिया। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी कि इसमें जो ये जो आपके पास सर्कल है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब कि ये इस सर्कल में कोई भी डायमेंशन चेंज नहीं हुई, यानी कि इसकी रेडियस फ्लेक्सिबल, इसकी रेडियस जो है वो फिक्स है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी कि जितनी पहले थी पहले एक्सपेरिमेंट में रेडियस, उतनी ही दूसरे एक्सपेरिमेंट में है, और उतनी ही तीसरे एक्सपेरिमेंट में रेडियस है, एक्स और वाई बदल रहा है, लेकिन
ये सर्कल की रेडियस नहीं बदल रही है, ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि सर्कल को नहीं छेड़ना है, उसके अंदर वाले रेक्टेंगल को छेड़ना है, उसे बड़ा और छोटा करना है। ठीक है, तो ये बात आपने प्रैक्टिकली समझ ली है। अब देखते हैं हम इसके सॉल्यूशन को न्यूमेरिकली कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी लेंथ मान लेंगे कितनी एक्स है और ब्रेथ कितनी है वाई। तो एरिया को मैक्सिमम करना है तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा मैक्सिमम करने के लिए। अब x और y में से एक वैल्यू को हटाना है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका नाम a रखिए, इसका नाम b रखिए, इसका नाम c रखिए और लिखिए इन ट्रायंगल या PQR रख लेते हैं, PQR, क्योंकि a ऑलरेडी है पहले से ही। तो इन ट्रायंगल PQR, और PQR में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2R का होल स्क्वायर, और ये हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है आपके सामने है। आप क्या करेंगे, y स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा x एंड रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया तो बताइए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। R यहां पर कांस्टेंट है क्योंकि नहीं बदलेगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। X यहां पर एक फंक्शन है, सीधा सीधा इसके बाद का स्टेप फॉलो करना है। पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, फिर उसके बाद इक्वल टू जीरो करके X की वैल्यू निकालेंगे और X की वैल्यू उठा के हम यहां रखेंगे, देन Y की वैल्यू आ जाएगी और दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये स्क्वायर है। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और वो नेगेटिव आएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये मैक्सिमम है। बट यहां पर ऐसा मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये रूट लगा हुआ है और मैक्सिमम मिनिमम में अगर रूट आ जाए तो इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ी कठिनाई ज्यादा होती है, क्योंकि इसको पहले प्रोडक्ट रूल से करेंगे और फिर दोबारा डिफरेंशिएशन क्वोशेंट रूल से करेंगे। तो अगर पॉसिबल है, रूट हट सकता है तो हटाइएगा, अगर पॉसिबल ही नहीं है तो फिर तो हमें पूरा प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। यहां पॉसिबल है तो इस रूट कैसे हटता है देखिए, आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और रूट को हटा देंगे। ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहां ब्रैकेट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आपको समझ में आया रूट कैसे हटा, कभी भी रूट आ जाए तो आप इस तरीके से हटा दीजिए। अब आप लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x रेज टू द पावर 4। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ a जो है a स्क्वायर, ये फिक्स कर लीजिए एक फंक्शन a स्क्वायर, a अलग मत बनाइए, a स्क्वायर को फिक्स कर दीजिए क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। सपोज कि अगर मैंने a को अलग फंक्शन बनाया तो लिखूंगा 2a इंटू में dA अपॉन में dx, और जब मैं इसे इक्वल टू जीरो रखूंगा तो ये पूरी संख्या जीरो के बराबर हो जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पर फिक्स कर लीजिए कि a स्क्वायर एक पार्टिकुलर फंक्शन है और आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ऐसे करिए, डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 4r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, x स्क्वायर फंक्शन है, 4r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो कॉपी किया जाएगा। कॉन्स्टेंट वो होता है जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। मैंने अभी आपको तीन एग्जाम्पल तीन शेप दिखाई तो उसमें r में कोई बदलाव नहीं हुआ था, x और y बदल रहे थे इसलिए ये कॉन्स्टेंट है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x क्यूब आएगा। नाउ डेरिवेटिव जब हम कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपके सामने 4 2 8। आप कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है तो बचेगा कितना, 4 और x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। नाउ आप लिखिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैं यही लिख देता हूं मैक्सिमा और मिनिमा, डेरिवेटिव जो है जो भी डेरिवेटिव आएगा, या मैं इसको हटा देता हूं यहां से, हाँ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा जो डेरिवेटिव है यानी कि डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये स्क्वायर से आप इसे सेकंड डेरिवेटिव ना समझे, स्क्वायर नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने स्क्वायर लिख के लिखा है। मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, ये ऊपर लाइन अलग है और नीचे अलग लाइन चली है ना, स्टार्ट हुई है यहाँ से। अब देखिए आप इसे जीरो के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x ब्रैकेट ऑफ
2r square minus x square is equal to 0, then x is equal to 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 2r square minus x square equal to 0, तो 2r square is equal to x square, then x की वैल्यू आ जाएगी root 2r, negative तो लिया नहीं जाएगा, positive ही लिया जाएगा, length है तो positive होगी, ये condition not possible होगी, क्योंकि 0 अगर हमने length ले ली, तो फिर तो rectangle या square की कोई situation ही नहीं बनी। ये जो आपके सामने x square की वैल्यू है, ये इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन है, आप लिखेंगे पुट या पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में y इज इक्वल टू आपके सामने है रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर लिखा गया 2r स्क्वायर लिखा जाएगा। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके सामने क्या, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस का 2r स्क्वायर, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके सामने y इज इक्वल टू रूट 2r। तो आप गौर से देखिए, ये मैंने हाईलाइट कर दिया कि x की वैल्यू भी रूट 2r है और y की वैल्यू भी रूट 2r है, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू y के है। सो x इज इक्वल टू y एंड इट इज स्क्वायर। हमने रेक्टेंगल लेके चले थे, रेक्टेंगल के लिए रूल लगाया था, लेकिन ये स्क्वायर निकला। अब दोबारा डिफरेंशिएशन कराएंगे तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपको लिखना पड़ेगा ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके सामने ये है जो यहां पर छोड़ा है, आपके सामने लिखा हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये लिखा हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव ये। तो आप इस फर्स्ट डेरिवेटिव को लिखेंगे, ये हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करा दीजिए ताकि हम प्रोडक्ट रूल से बच जाए, ये हो जाएगा 8r स्क्वायर x माइनस का 4x की पावर 3, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। आप इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कराएंगे, आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, नाउ d2 a स्क्वायर अपॉन में dx2 इज इक्वल टू, ये 8r स्क्वायर कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 4 एक कांस्टेंट है, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12 x की पावर 2, एंड पुट करेंगे x की पावर 2 की जगह पर क्या वैल्यू रखेंगे 2r स्क्वायर, जब रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 और ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8r स्क्वायर माइनस का 24r स्क्वायर, और जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 16r स्क्वायर। अगर ये नेगेटिव आया है तो ये मैक्सिमा को इंडिकेट कर, मैक्सिमम हो गया, और हमने ये भी बता दिया कि कोई भी रेक्टेंगल किसी भी सर्कल के अंदर अगर रखा जाता है तो वहां पर वो क्या होगा, वो जब भी मैक्सिमम एरिया बनाएगा एक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आया भी हुआ है कई बार, तो आप इसे जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, सबसे पहले एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना दीजिए ताकि ये पता लग जाए कि क्या शो करना है। ये है आपके सामने राइट सर्कुलर सिलेंडर, आपको शो क्या करना है ऑफ गिवन सरफेस, यानी कि इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस गिवन है। तो मैं इसको लिख लेता हूं यहां पर सॉल्यूशन में, मैं कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन सरफेस, गिवन क्या है सरफेस, और सरफेस को हम S मान लेते हैं, यानी कि किसी भी सिचुएशन में सरफेस नहीं बदलेगा, गिवन का ये मतलब होता है कि अगर मैंने इस सिलेंडर की शेप बदल के ऐसी बना दी, ये इस सिलेंडर की शेप बन गई, तब भी इसका सर्कल का जो इस सिलेंडर का जो सरफेस है वो सेम रहेगा। अगर मैंने इसकी सिलेंडर की शेप बदल के कुछ ऐसी बना दी तो उसी रेशो में हम शेप बदलेंगे ताकि सरफेस जो है इसके जो ये जो सरफेस वाला पार्ट है ये सेम रहे, तो हमें सरफेस नहीं चेंज करना, इसको कहता है गिवन। गिवन मतलब जो चेंज नहीं करना है हमें, वो कांस्टेंट रहेगा। कहता है गिवन जो है वो क्या है सरफेस, एंड मैक्सिमम क्या करना है हमें, हमें मैक्सिमम करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मैक्सिमम करने के लिए हम कुछ इंडिकेट कर लेते हैं पहले टर्म्स को, जैसे कि मैं यहां पर इसे हाइट जो है इसको मैं वाई दिखा देता हूं, ये हाइट वाई है, और इसकी रेडियस जो है इसको एक्स दिखा देता हूं। ओके, ये एक्स तो ये भी एक्स, पूरा डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा, ये x है आपके सामने, ये भी x है आपके सामने, टोटल हो गया 2x, ओके? और हाइट कितनी है इसकी y, ओके? रेडियस है x और हाइट है y, तो देखिए हमारे पास वॉल्यूम जिसे मैक्सिमम करना है वो होगा पाई
एक्स स्क्वायर वाई, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, नहीं पता तो आप पता कर लीजिए और यहां से याद कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच की जगह वाई, आर की जगह एक्स। आगे कहता है इज सच दैट, इस तरीके से करना है ये मैक्सिमम वॉल्यूम ताकि इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। ये हमारा सॉल्व करना है, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, अभी हमें ये गिवन नहीं है। ओके, तो हमें क्या क्या कंडीशंस गिवन है हम देख लेते हैं। देखिए हमें सरफेस एरिया गिवन है, और सरफेस एरिया क्या होता है भाई, सरफेस एरिया मैं यहां लिख देता हूं, सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2πRh प्लस 2πR2। यहां से R और H में से किसी एक वैल्यू को निकालेंगे, जो आसानी से निकल जाए वो निकालिए। R निकालने के लिए तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो बहुत कठिन हो जाएगा, H आसानी से निकल जाएगा। कैसे, S माइनस का ये 2πR2 आप लेफ्ट में लेके आइए और डिवाइड कर दीजिए 2πR से। देखिए कितने आसानी से निकल गए, इसे फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए और इसका इस्तेमाल हम करेंगे। लेकिन हमारे पास एच, ये एच जो दे रखा है, एच की जगह एच नहीं है, एच की जगह वाई है, R की जगह R नहीं है, R की जगह X है। तो मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला आपने याद किया है उस फॉर्मूले में कुछ रिप्लेसमेंट कर रहा हूं, तो 2πRh था ना, तो एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2πx2। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा 2πx2 अपॉन में 2πx, और ये बराबर किसके आ जाएगा, वाई के। तो ये y की वैल्यू उठा के हम रखने वाले हैं अपने वॉल्यूम में, ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है, सरफेस एरिया यानी कि s जो कि कांस्टेंट है, माइनस का 2πx2 अपॉन में 2πx। ओके, ये हमने वैल्यू रख दी। आप इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो पाई से पाई कैंसिल आपको दिख रहा है, ये पाई से ये पाई कैंसिल दिख रहा है, ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है, ये एक x बचेगा उसके अंदर मल्टीप्लाई भी कराएंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास, ऊपर तो आ जाएगा एस एक्स माइनस का 2πx3 और नीचे आ जाएगा सिर्फ 2। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर वही स्टेप्स, जब हमें एक फॉर्म में अगर इक्वेशन मिल जाती है तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कुछ स्टेप्स को फॉलो करके। क्या स्टेप्स थे, पहले तो डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डीवी ओवर डीएक्स इज इक्वल टू एस एक्स का डिफरेंशिएशन, एस होता है क्योंकि एस एक कांस्टेंट है, पहले उसने कह दिया गिवन है, माइनस का 2πx3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 6πx2 अपॉन में 2, हम लिखेंगे 4 मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम डीवी ओवर डीएक्स इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। देन आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे है आपके सामने एस माइनस का 6πx2 ओवर 2 इज इक्वल टू 0, 9। नाउ 2 जो है वो 0 के बराबर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, देन 6πx2 राइट साइड में जाएगा तो s की वैल्यू आ जाएगी 6πx2 एंड आप इसे पुट करेंगे इन फर्स्ट, और आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन भी है, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, क्या वैल्यू है, एस की जगह पर 6πx2 माइनस का 2πx2 अपॉन में 2πx इज इक्वल टू वाई। चलो आगे बढ़ते हैं, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4πx2 ओवर 2πx इज इक्वल टू वाई, देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना बचेगा 2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, x से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू वाई, और यही तो कह रहा था वो। देखिए जरा क्या कह रहा था वो, लास्ट की लाइन पढ़िए जरा, इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। तो देखो हाइट मतलब कि ये y, और डायमीटर मतलब कि पूरी की पूरी संख्या, यानी कि x हमने रेडियस मानी थी, x और x 2x और 2x डायमीटर होता है, तो हमने कर तो दिया, लिखेंगे सो इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अभी, लेकिन ये बात रह गई है कि इसको मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम भी तो करना था, तो मैंने कहा तीसरा स्टेप बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लिखेंगे डीवी ओवर डीएक्स इज इक्वल टू, और आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, एस माइनस का 6πx2 अपॉन 2, एस माइनस का 6πx2 अपॉन 2,
आप अगेन डिफरेंशिएशन कराएंगे, आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हो जाएगा डी टू वी ओवर डी एक्स टू इज इक्वल टू एस का डिफरेंशिएशन 0 माइनस का ये 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 12 पाई x नाउ डिवाइड बाय 2, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 6 पाई x, और x क्योंकि एक रेडियस है तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, सो दैट्स व्हाई यहां पर नेगेटिव ही आएगा हमेशा, और अगर नेगेटिव है तो ये मैक्सिमा है, अगर पॉजिटिव होता तो मिनिमम होता, और अगर 0 होता तो नाइदर मैक्सिमा और नॉन मिनिमम होता। तो आपको बहुत तसल्ली से मैंने ये चीज एक्सप्लेन करके समझाई है, हालांकि हमारा ये क्रैश कोर्स है, ऑफ कोर्स मैंने इसकी डिटेलिंग, इसका इंट्रोडक्शन आपको नहीं दिया और उसकी आपको जरूरत भी नहीं है, आपको बस क्वेश्चंस के थ्रू इसका सॉल्यूशन करना है, क्वेश्चंस के थ्रू इसमें टाइप्स हैं, उस टाइप के अकॉर्डिंग चलना है। मैं अगर देखूं तो इस 4 क्वेश्चंस की जर्नी में अभी तक 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताए हैं, किसी भी जोनल का, किसी भी जोन का क्वेश्चन आ सकता है। सपोज कि अगर आपको पहला क्वेश्चन जब आप देखते हो तो उसमें अगर आपको न्यूमेरिक कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो फॉलो करना। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बताया कि कैसे एक 2 डायमेंशनल शेप से हमने 3 डायमेंशनल बॉक्स बनाया था। थर्ड जो क्वेश्चन अभी हमने किया है उसके अंदर आपको बताया गया किस तरीके से एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल, कभी कभी सर्कल के अंदर वो अलग अलग सिचुएशन देगा, कभी आपको वो ट्रायंगल भी दे सकता है तो ट्रायंगल से रिलेटेड आपको सिचुएशंस पता होने चाहिए, वो स्क्वायर भी दे सकता है, पेरीमीटर पूछ सकता है, एरिया पूछ लिया था वहां पर, तो कुछ भी पूछ सकता है, उससे रिलेटेड आप उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ये टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद अभी जो मैंने कराया वो एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर में क्या गिवन था, सरफेस एरिया, अगर आपको सरफेस एरिया की जगह पर वॉल्यूम गिवन होगा तो आप वॉल्यूम गिवन लिखेंगे और सरफेस एरिया को मिनिमम करेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ओके नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। इस मैक्सिमम मिनिमा की सीरीज में मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चंस को सेट किया है, उन 5 क्वेश्चंस को करिएगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एग्जैक्ट यही 5 क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि आप मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके वैसे तो आपको फुल फ्लैश स्टडी करनी, क्योंकि इसकी बहुत सारे टाइप्स है और मैं कोई भी टीचर इसको समेट नहीं सकता छोटे से में, बट इन 5 क्वेश्चन से आप एक अप्रोप्रिएट स्टडी कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर होगी एग्जाम में, ना करने से बेहतर है मैक्सिमम मिनिमा के ये वीडियो देख के चले जाए, या ये 5 क्वेश्चन अपनी कॉपी पे लिख लीजिए तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके नाउ स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन, ये है आपके सामने 5वां क्वेश्चन, ये देखने में आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, चलो पढ़ते हैं पहले इस क्वेश्चन को और देखते हैं ये कितना कठिन है या कितना आसान है। लिखा हुआ है ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, पहले तो वायर ऑफ लेंथ बना लेते हैं, ये वायर है और ये उसकी लेंथ है, और ये कितना मीटर दे रखा है 28 मीटर। ओके आगे कहता है इज टू बी कट, इसे काटा गया इंटू 2 पीसेस। ओके तो मैंने यहां से इस पर कट लगा दिया, कहीं से भी कट लगा सकते थे, 2 पीसेस हो गए इसके, पहला पीस आपका ये है, लेंथ तो मुझे इसकी नहीं पता, दूसरा पीस ये है, इसकी लेंथ भी नहीं पता, बस ये पता है कि टोटल लेंथ इसकी 28 मीटर है। वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर, एक पीस का स्क्वायर बनाया, ठीक है तो हम भी स्क्वायर बना लेते हैं। ये देखिए जो पहला पीस था उस पीस को मैंने इसे मोड़ के एक स्क्वायर बना दिया, ये बना दिया छोटा सा एक स्क्वायर, वायर ऑफ पीस है तो इसका हमने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। आगे क्या कहता है, आगे कहता है एंड अदर इनटू अ सर्कल, और दूसरे वाले का एक सर्कल बनाना है, तो ठीक है इसका मैंने ये सर्कल बना दिया, दूसरे पीस का हमने एक सर्कल बना दिया, ये देखिए। ओके नाउ आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे इसने कहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस, यानी कि ये लेंथ क्या होगी ये नहीं पता, तो हमने एक को तो x मीटर समझ लिया और दूसरे को 28 - x मीटर समझ लिया, है ना, ताकि हमें लेंथ पूछ रहा है तो हमें लेंथ निकल जाए, एक x है तो दूसरी 28 - x है, क्या होगी इसकी लेंथ, सो दैट ताकि द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। तो बेसिकली ये पहला क्वेश्चन मिनिमम का आ गया, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम में कोई फर्क ही नहीं यहाँ पर देखना चाहिए आपको, बेसिकली आपको पता चल गया कि कंबाइंड आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो देखिए गौर से देखिएगा और समझिएगा कि ये जो x आपके सामने ये लेंथ थी, ये
ये लेंथ जो है यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर और यहां तक, यही लेंथ तो यहां पर आई है। इसका मतलब जो लेंथ एक्स है वो इस स्क्वायर का, ये वाले स्क्वायर का पेरीमीटर है। ये बात याद रखना, जो सीधी लेंथ थी वो इस स्क्वायर का क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। तो यहां पर आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मैं डायरेक्ट पी लिख देता हूं, देखिए आप इसे लेट कर लेना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4a, अगर इसकी लेंथ a है तो 4a हो जाएगा। और हमें क्या दे रखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये दे रखा है एक्स मीटर, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि वो वायर ऑफ लेंथ पता है हमें, इसकी लेंथ कितनी है वायर की एक्स, तो एक्स ही तो यहाँ पर सीधा 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 स्क्वायर बनेगा। इस वायर को मोड़कर ऐसे करके स्क्वायर बनाएंगे इस तरीके से, तो वो पेरीमीटर ही तो कहलाएगा। ओके, नाउ दोनों को बराबर रखेंगे तो 4a इज इक्वल टू एक्स, देन a इज इक्वल टू एक्स बाई 4। ये हमें मिला क्या, ये हमें स्क्वायर की साइड मिली, और स्क्वायर की साइड मिल गई तो स्क्वायर का एरिया हमें पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, सो दैट्स व्हाई एरिया आ गया इसका एक्स स्क्वायर बाय 16। इसको यही छोड़ देंगे, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। एरिया को ही तो मिनिमम करना है, कंबाइंड को करना है। लेकिन तो दूसरा केस लेते हैं, दूसरे केस में हमें दे रखा है एक सर्कल जिसकी एक रेडियस होती है आर। तो मुझे पता है कि ये जो आपके पास लेंथ है, ये यही लेंथ इस सर्कल को यहां से लेकर यहां तक आपने ये मोड़ी है। तो अगर ये लेंथ मोड़ी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2πr, आप इसे लिख सकते हो 2πr इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स, क्योंकि ये क्या है आपके सामने, ये है सर्कमफेरेंस, और ये क्या है आपके सामने, ये भी तो सर्कमफेरेंस है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 28 माइनस एक्स अपॉन में 2π, एंड द एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये कुछ बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए। नाउ एरिया जो हमारे पास सर्कल का आ गया वो आ गया 28 माइनस एक्स, सॉरी पाई भी लिखेंगे, तो हम यहां लिख देते हैं पाई इंटू में आर की जगह पर 28 माइनस एक्स अपॉन में 2π का होल स्क्वायर, और जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई, देन 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 4π स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल ये आ जाएगा 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 4π, एंड दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल। अब हम लेट कर लेंगे कंबाइंड एरिया को, लेट कंबाइंड एरिया इज इक्वल टू कैपिटल ए, तो कैपिटल ए कंबाइंड एरिया करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि एक्स स्क्वायर अपॉन 16 है, और एरिया ऑफ सर्कल जो कि 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 4π है। आप क्या करेंगे, आपको एक इक्वेशन मिल चुकी है, अब बस वही तीन स्टेप्स रिपीट कर दीजिए और पूरा आंसर निकालिए। देखिए पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से लिखता हूं मैं dA ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, 16 कांस्टेंट है, प्लस ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा 28 माइनस एक्स की पावर 1 इनटू में 0 माइनस 1 अपॉन में 4π। आप लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, और इसमें क्या हो जाएगा dA ओवर dx इज इक्वल टू 0, तो यहां आ जाएगा आपके पास 2x अपॉन 16 और माइनस का होगा, और ये हो जाएगा 2, या फिर से सॉल्व भी कर लेते हैं पहले, चलो सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नाउ अब जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगा हमारे पास x अपॉन 8, नाउ माइनस, क्योंकि ये संख्या माइनस क्या दिख रहा है, ये बाहर प्लस को माइनस बना देगी, माइनस का 28 माइनस एक्स अपॉन में 2π इज इक्वल टू 0, राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स अपॉन में 8 इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन में 2π। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2π एक्स इज इक्वल टू 8 की मल्टीप्लाई 28 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 जो 64, देन 6, 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 16 प्लस 6 ये आ जाएगा आपके पास 22 हो जाएगा, है ना, 16 40 है। उसके बाद माइनस का 8x, नाउ आप आगे सॉल्व करेंगे इसे तो क्या करेंगे, x को आप लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास यहां पर 2π x प्लस का 8x इज इक्वल टू 224,
नाउ आपका कॉमन है यहां पर 2, आपका कॉमन है यहां पर x, तो बचेगा 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 टू 4 एंड नाउ x इज इक्वल टू 2 टू 4 अपॉन में 2 इनटू ब्रैकेट ऑफ 5 प्लस का 4. नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4. तो फाइनली x की वैल्यू आ गई, यानी कि पहले पीस की लेंथ आ गई 112 अपॉन में 5 प्लस का 4. आप चाहो तो इसकी वैल्यू रख सकते हो, पाई की वैल्यू है 22 अपॉन 7 और कैलकुलेटर आपके पास अलाउड है. मैं यहीं तक सॉल्व करूंगा, आप इसे आगे भी कर सकते हो, इसकी एग्जैक्ट मीटर में वैल्यू निकाल सकते हो. ओके, फिलहाल x की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट का मतलब सेकेंड पीस, या फिर आप लिख सकते हो पुट इन सेकेंड, और आपके सामने है पीस. ओके, सेकेंड पीस में आप पुट करेंगे तो कैसे रखेंगे, इसमें सेकेंड पीस में आप लिखेंगे 28 माइनस का x, और 28 माइनस x मींस 28 माइनस का 112 ओवर 5 प्लस 4, और जब हम इसे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 28 पाई प्लस का 3 एंड 4 टू द 8 प्लस 3 11 माइनस का 112 ओवर 5 प्लस 4 एंड देन सॉल्व करेंगे तो सेकंड पीस जो हमारे पास आएगा वो आएगा 28 पाई ओवर 5 प्लस का 4. तो आपसे कहता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस, सो द लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू आपके सामने 112, ये थी 112, हाँ 112 ओवर 5 प्लस 4 आएगा. द लेंथ ऑफ सेकेंड पीस इज इक्वल टू 28 पाई अपॉन में 5 प्लस 4 आएगा, इतना मीटर इतना मीटर. लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि इसके इसके एरिया को हम मिनिमम कर पाएंगे, तो उसके लिए कंबाइंड एरिया जो आपका था उस कंबाइंड एरिया को लिखना है और उसका दोबारा डिफरेंशिएशन कराना है. तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कहाँ छोड़ा था, हमने यहां पर उसको छोड़ा था, ये देखिए ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था. क्या था फर्स्ट डेरिवेटिव, x अपॉन 8 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहां पर देख लीजिए इसे ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे, x अपॉन 8 28 माइनस का x, ये हो जाएगा x अपॉन में 8 माइनस 28 माइनस का x अपॉन में, और नीचे कितना दे रखा है आपके सामने, यहां पर नीचे था 2 पाई 2 पाई. नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू ए ओवर डी एक्स टू इज इक्वल टू आ जाएगा आपके सामने x का 1 होगा अपॉन में 8 माइनस 28 का 0 माइनस 1 अपॉन में पाई. सॉल्व करेंगे, पाई नहीं था 2 पाई था आई थिंक, यस ऑफ कोर्स थोड़ी गलती हो गई, ये 2 पाई है, यहां पर भी 2 पाई है. नाउ सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन में 2 पाई, और ऑब्वियस ही बात है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज कॉल्ड मिनिमा. तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को किया. 5 क्वेश्चंस थे, 5ों क्वेश्चंस मैंने आपके सामने करके दिखाए, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे, सारे क्वेश्चंस डिफरेंट थे. आपको बस मैं इतना कहूंगा कि अगर आपको तैयारी करनी है तो मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर बहुत कुछ है, बट आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जितना भी आप करें उसे प्रॉपर करें और कंप्लीट करें. ओके, नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.